तकरीबन 1 लाख वॉलंटियर के साथ मिलकर इक्वामे मुतहदा यूरोपीय यूनियन ओआईसी में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है। जिस वक्त इस वक्त जब हम महवे गुफ्तगू हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के कारकुनान फलस्तीन कश्मीर सीरिया यमन और तुर्की और बांग्लादेश में रेफ्यूजीज कैंप में अमली तौर पर रेफ्यूजीज की मदद कर रही है। हमें यह भी एजाज हासिल है कि हमने यूरोप और यूके की तारीख के सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि अगर आप यूके और यूरोप की तारीख को देखें यहां पर वक्त इंतहाई कीमती है। यहां पर अगर 10 से 30 लोग इकट्ठे हो जाए तो उसको बहुत बड़ा मुजाहरा समझा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के सीने पर यह तगमा भी जाता है कि अगर आपकी जंग का ऐलान किया गया बरतानिया की तारीख में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट सड़कों पर ले गया। इसी तरह जब 2017 में म्यांमार पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ बात करने का मौका मिला तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने ना सिर्फ बरतानिया यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट ने तारीख में पहली दफा बर्मा के लिए आवाज बुलंद की और तकरीबन सिर्फ बरतानिया में 30 से 35 हजार से ज्यादा लोगों को म्यांमार एम्बेसी के सामने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। ये एजाज भी हमें जाता है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली 270 से ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने में अहम किरदार अदा किया जो अरबों डॉलर से बराबर जो करोड़ों पाकिस्तानी रुपयों की तादाद हजारों पाउंड की तादाद में भी पैसा खर्च करके सालाना इकवाम से यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान को तोड़ने के खिलाफ साजिशें करती थी। उन 265 ऑर्गेनाइजेशन को आपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ, 265 ऑर्गेनाइजेशन को हमने इकवामे मुतहदा में ब्लैक लिस्ट करवाया और उन ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवाया। इसी तरह इकवामे मुतहदा की अगर बात करते हैं तो कश्मीर फलस्तीन म्यांमार का मुकदमा लड़ने में हम सबसे अव्वल हैं। ये चीजें बताने का मकसद ये है कि ना ही इन गुफ्तगू के बाद हमने आपसे कोई चंदा लेना है, ना ही हमने आपसे कोई इलेक्शन लड़ने के लिए वोट लेना है, ना ही हमने आपसे किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट चाहिए, ना ही हमारी कोई फीस है, ना ही हमें कोई एजेंसी चाहिए, ना ही मेरे या मेरे खानदान के या मेरे साथियों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। ये मकसद सिर्फ वो है कि ये मकसद जिस मकसद के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे। अल्लाह फरमाते हैं इतने बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए आसानी पैदा करे। इसीलिए आज मैं चौधरी नासिर साहब के रेफरेंस से आप तमाम साथियों को दावत देता हूं। आप जमींदार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ताजर हैं, इवन किसी भी इंतजामी अदारे में पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन और पाकिस्तान के तकरीबन 17 से 18 सिटिंग जो सेनेटर्स और एमएनए हैं ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाकायदा मेंबर हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के जो सरपरस्त हैं उस वक्त चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब और इसी तरह सेनेटर राणा में मौजूद हसन है और मुख्तलिफ लोग हैं, शाह महमूद कैशी साहब रहे हैं, हम इससे पहले खान इमरान खान साहब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे हैं पोजिशनों पर। तो बात करने का मकसद ये है कि आप सिर्फ हमें ज्वाइन करें और उस आलमगीर तहरीक का हिस्सा बने जो दुनिया भर में इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करती है। और इस मौका पर मैं ये भी आपको दावत देता हूँ कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप मीरपुर के एक छोटे से रावला गांव में बैठे हैं, आप कैसे कश्मीर के लिए या फलस्तीन के लिए यहाँ से आवाज
بلند کر کے کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. یہاں پر یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب فلسطین پر مظالم ہوئے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے جہاں دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا, عملی طور پر مالی امداد بھی فراہم کی, وہاں پاکستان کی آرگنائزیشن نے بھی فلسطین کے لیے پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کا ہم کام کیا. یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں ایسی چیریٹیز ہیں جو خدمت کرتی ہیں, بہترین کام کرتی ہیں, لیکن ان کا ایجنڈا لوگوں کی مالی امداد ہوتا ہے, پیسے اکٹھے کرتی ہیں پھر چیریٹی کا کام کرتی ہیں. الحمدللہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر میں کسی شخص, کسی ادارے, کسی بھی کوئی ایک حکومت بھی ہمیں ایک روپے کا نہ ہم چندہ لیتے ہیں نہ ہی ہم چندہ مانگتے ہیں. تو اس لیے ہمیں آپ سے کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے. ہم سے خاک کے ساتھ مل کر اللہ اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہتے ہیں. یہاں پر ہم یہ بھی بتا دیں, جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آتی ہے, جب ان کے اوپر نعوذ باللہ کارٹون یا ان کے خلاف اخباروں میں غلط طرح کی تحریریں برطانیہ اور یورپ کے اخباروں میں پرنٹ کی جاتی ہیں, اس وقت بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر میں عملی طور پر اقدام اٹھاتی ہے اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین اور جو دنیا کے مختلف ممالک میں قانون سازی کے لیے ان اداروں اور ان لوگوں کے ساتھ عملی طور پر کام کرتی ہے جو اس تحریک کو کامیاب کرنے میں ہمارا رول ادا کر سکتے ہیں. آئیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا حصہ بنے اور آپ